माता जी जो है जो कुंड बना है अपना उस जल के अंदर ही है। आज हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मंदिर जिसमें देवी की प्रतिमा तो नहीं है पर साक्षात देवी विराजमान है। अब तक आपने प्रतिमा के रूप में ही देवी के दर्शन किए होंगे, लेकिन हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं एक ऐसा कुंड जो एक कुंड के रूप में देवी का स्थान है और इन देवी को कहा जाता है अश्रु माता। क्या है यह स्थान और कैसे करती है देवी इस स्थान पर अपने भक्तों पर कृपा, देखिए हमारी खास पेशकश अश्रु माता के रहस्य में। माता जी जो है जो कुंड बना है अपना उस जल के अंदर ही है। भोपाल से 300 किलोमीटर दूर पर स्थित है यह अश्रु माता मंदिर। अश्रु माता मंदिर में हम आ चुके हैं उनका रहस्य पता करने। भोपाल से निकलकर हमारा पहला पड़ाव था ओरछा के पास बना यह मंदिर। ओरछा से महज 20 किलोमीटर दूर पृथ्वीपुर के पास ये बना है मंदिर। इसको यहाँ पर लोग कहते हैं अश्रु माता। अश्रु माता का एक ऐसा रहस्य बताया जाता है जिसकी पड़ताल आज हम करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या है अश्रु माता और कैसे अपने भक्तों को देती हैं वो आशीर्वाद। माता के रहस्य को जानने के लिए हमारी टीम भोपाल से 300 किलोमीटर से निकलकर पहुंची ग्राम अश्रु में। यहां यह विशाल मंदिर स्थित है। हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न यह था कि हम पहले तो ये जान लें कि आखिर अश्रु माता है क्या। तो हमने आसपास के गांव के कुछ लोगों से जाना कि क्या रहस्य है इस स्थान का। हमारी पड़ताल जारी थी कि तभी पास ही बने गाँव जैरोन के माता दीन पस्तोर से हमारी मुलाकात हुई। जब इन्होंने हमें इस स्थान का वृतांत सुनाया तो हमारी जानने और माता के दर्शन करने की इच्छा और भी बढ़ गई। बहुत पहले जब हम बहुत छोटे थे तो अश्रु माता में केवल एक चट्टान थी, पहाड़ चट्टाने वहाँ थी, एक छोटा सा कुंड था और उस कुंड में जल रहता था। तो वहाँ पर जाकर के इसी प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई एक अश्रु नाम का चरवाहा, अब जात में यादव हो या कोई भी हो, बलेदी जो होते हैं, तो एक बार उनको प्यास लगी तो पानी वो बिल्कुल बहुत तड़प रहा था तो उसने कहा कि पानी, तो उनको ऐसा बताया कि माने कि वहाँ पर चले जाओ, एक कुंड है उसमें से तुम हाथ करो पानी मिल जाएगा। तो वो कुंड अपने आप प्रकट हो गया और उसमें जल मिला, उसने पानी पिया। इसके बाद उसका जब चर्चा हुई तो फिर कई लोगों ने वहाँ पर परीक्षा ली। एक बार ऐसा बतलाते हैं कि एक कोई मिलिट्री का आदमी था, कोई रेडार, वो वहाँ पर आया तो उसने जो है वहाँ गया, उसने परीक्षा ली कि कितना गहरा कुंड है। तो करीब करीब उसमें उसने एक सांग, वहाँ से जो एक सांग लगती थी जगदम्बा के रूप में थी, तो उसमें डाली तो वो उसके हाथ से छूट कर निकल गई। और बीरसागर एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थान है अपने यहाँ, राजा वीर सिंह के द्वारा वहाँ पर मंदिर बना, कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो उस तालाब में चली गई थी वो। तो माने उसका कोई गहराई का कोई ये हुआ कि वहाँ तालाब में मिली वो सांग, ये बिल्कुल कहावत है। और वहाँ पर करदई के जो पेड़े हैं, एक बार हम मेला भरता था बहुत पहले, तो मेला में एक बार किसी ने लकड़ी काट दी तो उसको समझ लो कि वहीं पर उसको माने तबीयत खराब हो गई थी उसकी। बहुत से स्थान है धीरे धीरे वहाँ पर, जिसके यहाँ कोई बच्चे नहीं होते हैं या कुछ भी नहीं होते हैं, तो इस तरीके के बाहर से बम्बई से दिल्ली से बाहर से लोग आते रहे और वहाँ पर उन्हीं के द्वारा आज ऐसा है कि बहुत ही भव्य स्थान बन गया है। और शासन के द्वारा भी एक ट्रस्ट है वहाँ पर, तो ट्रस्ट के द्वारा जो मिलता है वो शासन के द्वारा 24 मंदिर देवियों के बन चुके हैं और अब बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर जो भी जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है।
क्या लगता है आपको, आप कब से इस स्थान को देख रहे हैं और क्या तरीका होता है वहाँ पर, कैसे देवी जी आशीर्वाद देती हैं लोगों को, क्या अनुभूति होती है वहाँ पर जाने? करीब 10-12 वर्ष की उम्र से हम वहाँ पर मेला देखने जाते थे, तो वहाँ पर क्या है, कोई पंडा जो होते हैं वो ज़्यादातर यादव ही जात के होते हैं, वे वहाँ पर बैठते हैं, सामने जो लोग आते हैं वे दर्शन करने के लिए हाथ जोड़ कर बैठते हैं, अपनी बात कहते हैं, बताते कुछ नहीं, केवल खड़े हो जाते हैं, तो वो उनसे विनय करता है पंडा, और पंडा विनय करता है देवी जी कुंड से, तो कुंड में से बलभुजा आते हैं और निब्बू आ जाए या गरी के जो टुकड़े होते हैं वे आ जाएँ, या और भी मखाने वगैरह कुछ भी कोई भी फल आ जाते हैं, नींबू का सबसे अच्छा मानते हैं, और नींबू का फल अगर एकाएक आ जाए तो सबसे वो समझ लो बहुत ही उत्तम है। अब हमारे सामने यह प्रश्न था कि आखिर इस कुंड में माता कैसे हो सकती है, यह देखने की उत्सुकता लिए हम पहुंच गए मंदिर में। अश्रु माता का रहस्य जानने हम पहुंचे हैं मंदिर। अश्रु माता के विषय में बताया जाता है कि यहाँ पर अश्रु नाम के एक चरवाहा को माता ने सपना दिया था कि यहाँ पर एक कुंड है, उस कुंड में आप जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उस चरवाहे ने यहाँ पर जाकर उस कुंड को देखा, वहाँ से अपनी प्यास बुझाई, आज वही कुंड अश्रु माता कहलाता है। अश्रु माता में लोग दूर दूर से आकर अपनी मन्नत मांगते हैं, और वो मन्नत कैसे होती है, पूरी कैसे मिलता है अश्रु माता का जवाब, ये हम जानेंगे। अभी मंदिर में हम प्रवेश करते हैं आपके साथ और हम बताएंगे कि अश्रु माता का रहस्य क्या है। मंदिर में जाते ही हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे सज्जन से जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं। इन्होंने भी हमें यही बताया कि माता जी तो कुंड में ही हैं। यह पूरी बात हमें बहुत ही आश्चर्यचकित कर रही थी। आश्चर्य और मन में कई सवाल लिए हम मंदिर की सीढ़ियों से पहुंच गए इस पवित्र कुंड के पास। मंदिर खुलने के इंतजार में हम बैठे ही थे कि हमारी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने माता के चमत्कार को देखा था। सर 1996 से 10वीं में मैं फेल हुआ, तो तभी से मैंने यहाँ मिठाई की दुकान खोली। 1996 से स्थाई आज तक यही दुकान है मेरी और यही दुकान करता हूँ। माता के पास कैसे मनोकामना? माता कोई भी प्रसाद दें कुंड से, दाग चिरौंजी नींबू गरी, अगर प्रसाद आ गया तो आदमी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर कुंड का पानी नहीं हिला तो समझ लें कि वो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। अंदर से बलबूजा या प्रसाद टाइप का आता है, वो प्रसाद आ गया, बलबूजे आ गए हैं तो बस मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, कभी मैं कई बार मेरे को मिला, प्रसाद मिला, आशीर्वाद मिला, जैसे नींबू है छुआरा भी मिला, बतासा भी जैसे पानी में डालने से घुल जाता है बतासा भी निकलता है, बतासा भी मिलता है लोगों को, लौंग इलायची भी मिलती है प्रसाद में। आपको क्या क्या मिला, ऐसे कौन से आपने कामना की थी माता से जो पूरी हुई और वो प्रसाद भी आपको मिला? मुझे प्रसाद मिला, मैंने केवल सुख शांति और बच्चों के प्रति कहा कि बस माँ आपके चरणों में रहूँ मैं, तो छुआरा भी दिया मेरे को, दाग कहते हैं, दाग कहते हैं, दाग भी मिली है, वो बढ़िया सुख शांति से माँ के दरबार में, बस यही चाहता हूँ कि मैं सुखी से यहीं बना रहूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई एक बार, अब मैं भी यहीं दुकान लगाया हूँ, मुझे भरोसा था पूरा कि या साक्षात मैं जो कहूँ, माने मुझे भरोसा था, सब लोग कह रहे थे घर के अस्पताल चलो अस्पताल चलो, लेकिन मैं आया तो मेरे हाथ सुन्न होने लगी। मैंने सभी दुकानदारों को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने सुन्नपन ऐसे 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 डाउन होने लगा, बिल्कुल सुन्न होने लगा। तो फिर मैं मंदिर पर, गेट बंद था 9-10 बजे की बात थी,
तो अंदर से ऐसी अग्नि से जल रही थी, मेरे अंदर ऐसे सब कुछ जल गया हो अंदर से, लेकिन मैं यहाँ से नहीं गया। तो फिर यहाँ एक ब्लू टाइप आने लगी, यहीं रोने लगी, और फिर कुत्ता भी साथ में भौंकने लगे, तो मैंने यहाँ आके सिर पटका और मेरा खून चालू होने लगा अपने यहाँ। और पानी की दो लीटर की बाटल थी तो ऐसे पीते जाता था, कोई वहाँ टंकी है यहाँ पास में, वहाँ से भर के लाते थे ख़त्म हो जाता था, वहाँ से भर के लाते थे ख़त्म हो जाता, तो कम से कम रात करीब 80 लीटर पानी पिया सभी के देखते देखते। यहाँ सब रिश्तेदार भी थे, सभी लोग दुकानदार भी थी, फिर सब ने बोला अब नहीं पीना है माता से बना कर, तो फिर माता से मैंने बना किया और अब नहीं पीना है, तो फिर मेरे को पानी बंद हो गया पीना, फिर प्यास ही नहीं, फिर एक गिलास पानी नहीं है 80। हाँ फिर ठीक है, तब से मैं यहीं रहता हूँ, दुकान पे ही रहता हूँ, घर पे कम जाता हूँ। हमें अब जानना था कि कुंड में से प्रसाद कैसे निकलता है, इसके लिए हमें मंदिर खुलने का इंतजार था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जब मंदिर के दरवाजे दर्शन के लिए खोल दिए गए। हमारे साथ और भी श्रद्धालु थे जो मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे, सभी कतार में खड़े थे। हम भी इसी लाइन में लग कर पहुँचे इस पवित्र कुंड के पास। दर्शकों, अश्रू माता के रहस्य को जानते हुए हम आ गए हैं मंदिर परिसर के अंदर। मंदिर परिसर में एक लाइन लगी हुई है जहाँ से लोग अंदर अश्रू माता की ओर जा रहे हैं, और अश्रू माता लोगों को प्रसाद दे रही हैं, नारियल, केला और भी जो चीज़ जो जिसकी मनोकामना पूरी हो रही है वो लोग। आप कहाँ से आई थी? हाँ, एक बार आए थे, काफ़ी टाइम हो गया जब आए थे हम लोग, काफ़ी दिन बाद आए तो अच्छा लगा मंदिर देख के। हाँ बिल्कुल, हम लोग झांसी से आए, हम ये मार्च में आए थे, 8 मार्च को। दर्शक हैं जो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, हम भी जान रहे हैं रहस्य, आखिर ये रहस्य क्या है, कैसे माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है, कैसे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है आशीर्वाद देने के बाद। हमने कई लोगों से यहाँ पर बातचीत की, बातचीत में हमने इस रहस्य को खोजते हुए उस मंदिर परिसर, उस पवित्र कुंड के पास आ गए हैं जहाँ लोग आस्था से अपना सिर झुकाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन व्यक्ति आता है, अश्रु माता के बने इस पवित्र कुंड के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना को मांगता है। मनोकामना मांगने के बाद उस कुंड के अंदर से एक उबाल बबूला आता है, जिसको यह प्रतीक माना जाता है कि माता ने उनके मनोकामना जो उनके मन के अंदर चल रही थी उसको सुना है, और सुनने के बाद अपना जवाब दिया है। उस जवाब के साथ साथ प्रसाद के रूप में नारियल, केला, लौंग और इलायची जैसा प्रसाद भी माता इस कुंड से देती हैं। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के आसपास की जगह जहाँ पर कई ऐसे रहस्यमय चौंकाने वाले चीज़ें हैं जिनको हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, अश्रु माता का इस रहस्य को भी हम खोज कर आपको बताएंगे कि आखिर ये मनोकामना पूर्ण होने का क्या रहस्य था। और जो हमने देखा उसे देखकर हमारे होश ही उड़ गए। लोग लाइन में लगकर माता के इस कुंड के पास आ रहे थे और कुछ देर बैठकर प्रार्थना करते, और माता इन्हें प्रसाद दे देती, किसी को नारियल, किसी को अंगूर, तो किसी को केला। ये सब प्रसाद इस कुंड से निकलकर अपने आप ही बाहर आ रहा था। हम बड़े ही अचंभित थे कि आखिर यह कैसे हो रहा है और क्या क्या निकलेगा। इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें आपको यहाँ का इतिहास बताना पड़ेगा। लगभग 400 वर्ष पहले अश्रु नाम के चरवाहे की भैंस यहाँ चराते चराते कहीं खो गई थी, और वो सभी जगह ढूंढने के बाद इस जगह पर आकर बैठ गया। भैंस नहीं मिली तो थक कर वह अपने जीवन को समाप्त करने यानी आत्महत्या का विचार करने लगा। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी, तभी अचानक यहाँ इस कुंड से माता जी प्रकट हुई और उन्होंने चरवाहे को कहा कि
तुम्हारी प्यास इस कुंड के पानी से बुझा लो। तुम्हारी भैंस यहाँ से थोड़ी दूर पर बने बीस सागर के पास मिल जाएगी, वहाँ से उन्हें ले आओ। तब विस्मय और जिज्ञासा से भरे अछरू नाम के चरवाहे ने माता के इस कुंड की परीक्षा लेने के उद्देश्य से इसकी गहराई नापने का प्रयास किया तो उसने अपनी लाठी को इसमें डाल दिया। लाठी कुंड में डूब गई। इसके बाद जब चरवाहा माता के कहे अनुसार बीस सागर में अपनी भैंसों की तलाश में गया तो भैंसों के साथ उसे अपनी लाठी भी तैरती हुई मिली। तेरी भैंसें सब मिल जाएगी, मैया ने मुझे बताया है। तब चला सोचता मन ही मन, अछरू सागर तक आया है। चला सोचता मन ही मन, अछरू सागर तक आया है। देखा अछरू ने जा करके, सब भैंस वहीं पे चरती हैं। और डंडा अछरू का वहीं गड़ा, अरे डंडा अछरू का वहीं गड़ा, अछरू की नजर अब पड़ती है। डंडा अछरू का वहीं गड़ा, अछरू की नजर अब पड़ती है। डंडा अछरू का वहीं गड़ा, अछरू की नजर अब पड़ती है। रहस्य और गहराता जा रहा था। फिर हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो हमारे सामने ही माता का आशीर्वाद लेकर मन्नत मांग कर जा रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आया था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मैं देखने के लिए आया था आपको बताएं। तो माता रानी की कृपा से सब काम अच्छा होता है, और जितने बार भी आए हैं माता रानी ने फल दिया है हमको। और आज कुछ इच्छा लेके आए थे, तो आज भी माता रानी ने हमको फल दिया है और केला दिया है फल में। इसके पहले जब आपको फल मिलते रहे तो मनोकामना पूरी होती है, और माता रानी ने सब काम हमारे पूरे किए हैं। जब भी हम आते यहाँ पे हमको कम से कम सातवीं बार चांस मिला है माता रानी का। इस प्रकार से माता रानी ने हमारा पूरा काम किया है, और माता रानी के दरबार में जो आता है उनका भी पूरा काम होता है, और इनकी तो बड़ी मनोकामना है। इसके पहले कौन कौन सा प्रसाद आपको माता रानी की ओर से मिला? इस प्रकार हमको सबसे पहले मिला था चिरौंजी। इसके बाद में जब हम दूसरी बार में आए थे तो हमको जो नारियल का अंदर वो रहता है ना बिजी, वो भी हमको मिला। फिर दूसरी बार में हम आए तो हमारे हाथ में फूल आया था। अब बारी थी हमारी की हम इस कुंड के पास जाए, तो हमने भी वही किया और हम भी पहुंच गए कुंड पर आशीर्वाद लेने। अछरू माता के इस पवित्र कुंड को परखना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ प्रसाद मिल रहा है, लेकिन इस रहस्य को जानने के लिए अब हम खुद माँ अछरू माता से प्रार्थना करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आशीर्वाद माता देती हैं। ये वो कुंड है जहाँ पर पंडा जी बैठे हैं। पंडा जी, ये कुंड कब से है यहाँ? ये कुंड बहुत दिन से है, कम से कम 7 पहले गुजर गए। हमारे आज ये प्राजी रखती जिनके हिदानी थी भैंस है, और भैंस ढूंढा ढूंढा थी 1 महीना भर हो गो, तो उनकी महीना भर बाद देवी जी ने सपना दिया है। ते पास में गुंज है, गुंज के पास में सपना दुआ के महात्मा ही भैंसे हैं, इत पर देवी इनने सपना दुआ तो पानी जल पियो, जल पी के उन्हें सपना दुआ का मरवा के ताल में भैंसे हैं। वहाँ से भैंसे मिली, उन्हें दो जाए को भैंसे लाई, और दो जने ने तब पूजा करी। हम हते एक जने वह हते, उनने पूजा करी। वहीं से एक दो चार आदमी को काम बनो मड़िका खन को, सोन को काम बन गो, सोने की सही है अछरू माता नो सब विकास बढ़े। हो जब ऐसे पूजा कर रहे, हो जब ऐसे आरती कर रहे, सब सबको एक सब पूजी हुई। क्या क्या प्रसाद माता जी देती? अनार, जवा, लाई, चावल, अनार, अंगूर, छुआरो, काजू, किशमिश, हर चीज आती है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और कैसे मनोकामना पूरी होती है? झांसी से और आसपास पूरे क्षेत्र लगे हैं, पूरे टीकमगढ़ जला के आते हैं। जिसके ब्याह शादी होती है उसमें न्योता सवाल आता है हर गांव। माता के इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश करी थी? गहराई नापने की नहीं है,
कुछ नहीं है, गया ना नाप रही है ना किसी को पता, वो तो अनजान कितनी कितनी गया है, कितने गया है क्या है उनकी माया कोई अनजान है, उनसे विनती कर दी आपका काम बन जाता है। कली काल के इस युग में हम बैठे हैं माता अश्रु के दरबार में, और अदृश्य ये माता अपने लोगों को अपने भक्तों को बराबर प्रसाद दे रही हैं निरंतर। ये इस कुंड में से एक बबूला निकलता है जो मनोकामना पूर्ण होने का संकेत देता है, इस संकेत को मानकर पूरे लोग जो यहाँ आस्था से आते हैं वो खुशी खुशी घर जाते हैं। इस कुंड की खासियत यह है कि कितने भी लोग यहाँ का जल पी लें पर यहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता। साथ ही यदि माता ने आपकी अर्जी सुन ली है तो इस कुंड में से प्रसाद या फिर बुलबुला निकलेगा, और आपका प्रश्न पूर्ण होने में जरा भी संदेह है तो आप घंटों इस कुंड के पास बैठे रहें, ना तो इसमें बुलबुला निकलेगा और ना ही प्रसाद मिलेगा। विज्ञान के इस युग में यहाँ हो रहे चमत्कार सभी वैज्ञानिकों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आखिर इस कुंड का पानी कभी खत्म क्यों नहीं होता और कैसे प्रसाद अंदर से बाहर आ जाता है? आखिरकार कलयुग में बने इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। यहाँ जाते जाते हमारी मुलाकात एक और संत से हुई जिन्होंने हमें कुछ ऐसा ही बताया जो हम पहले सुनकर आए थे और देखा भी था। जिला टीकमगढ़ में फेमस स्थान है और ऐसा स्थान है कि इस कुंड के जल से जिसको विश्वास है जी के मन भावना देखी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसके मन में जैसी भावना है वैसी माता जी यहाँ काम करती है। कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, कई लोग तो यहाँ कैंसर के भी इस जल से ठीक हो गए। तो माता जी के कितने चमत्कार मैं आपको बताऊँ, इतने चमत्कार हैं कि इस कलयुग में आप आकर के डायरेक्ट चलो मेरे साथ और आप कुंड पर दर्शन करो, यदि आपकी मनोकामना पूर्ण होना है तुरंत लिख के दे देंगे, आपकी पूरी होगी माता जी प्रसाद दे देंगी, तो और नहीं दिया तो आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ। जैसे कि जितने ये पल्ला टंगे हुए हैं लाखों यहाँ के बच्चे जिसके जमीन के अंदर मकान के अंदर कहीं पानी नहीं निकलता है और माता जी के दरबार में तुम अपने मन से कहीं की माटी लेकर के आओ, माता जी के दरबार में रखेंगे, कुंड के सामने रखेंगे, माता जी कह देंगी मैं गारंटी से आपका बोर में पानी निकलेगा, कुआ में पानी निकलेगा, इतने कितने काम आपको बताऊं, ये सब माता जी के कुंड के चमत्कार से ही होते हैं। अब हमने इस पूरे क्षेत्र और देश विदेश में प्रसिद्ध संत जो आपको देखकर ही बता देते हैं आपका भूत भविष्य और वर्तमान, ऐसे विख्यात गृहस्थ संत गुरु शरण शर्मा पंडोकर सरकार से मंदिर का इतिहास जानना चाहा। अश्रु माता कोई आज की नहीं है, अश्रु माता 500 साल से विराजमान है वहाँ पर, 500 साल के वहाँ प्रमाण शिलालेख लगा है, वहाँ पत्थर लगा है, एक राजा के द्वारा टीकमगढ़ राजा के द्वारा पूजित देवी है, टीकमगढ़ घराने की राज घराने की ओरछा घराने की कुल देवी है। तो आप देख लीजिए ओरछा घराने की और टीकमगढ़ घराने की राज घराने की कुल देवी है, तो कोई आज की बात है? इतने में तो कितने लोग आए होते, कितनी पीढ़ियां वही होंगी। आज भी जाइए तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो ना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी पानी के बलबूरे आते ऐसे आते हैं उसमें बलबूरे जैसे उसमें कोई पानी खोला रहा हो, फटाक से पानी का एकदम उछाल आता है, उसमें दूध रोटी आ जाती है। तो कलयुग चमत्कार नहीं तो क्या है? मैं मानता हूं उस चमत्कार को, नमन करता हूं, बोला अश्रु वाली माता मैया की और ओरछा धाम की। इनकी बात सुनकर और यहां आकर देखकर इतना तो तय था कि कोई तो अदृश्य शक्ति है जो अश्रु माता के नाम से यहां विराजमान है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, भोपाल से हम निकलकर अश्रु माता का रहस्य जानने यहाँ पहुँचे। अश्रु माता जो अपने भक्तों को लगातार कुछ ना कुछ आशीर्वाद के स्वरूप दे प्रदान कर रही हैं, किसी को नारियल, किसी को अंगूर, किसी को केला और किसी को और भी जो चीज़ लौंग, सब दे रही हैं, जिसको पाकर लोग
यहाँ से खुशी खुशी जाते हैं। अश्रु माता टीकमगढ़ जिले में पृथ्वीपुर के पास बनी एक छोटी सी जगह है, जहाँ पर यह विशाल मंदिर आप देख सकते हैं बनाया गया है। अश्रु माता का यहीं पर स्थान है, एक कुंड है, उस कुंड में से अश्रु माता अपने भक्तों को प्रसाद देती है। तो आपने देखा कि अश्रु माता इस कली काल में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो अश्रु माता के रूप में यहाँ विद्यमान है और लोगों को अपना आशीर्वाद देती है। हम फिर नई खोज के साथ, किसी नए रहस्य के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। जब तक हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। माता जी जो है, जो कुंड बना है अपना, उस जल के अंदर ही है।